फाजिलपुर चंद्रोज कबल 10 साल मोहम्मद असद लापता हुआ, इसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। लाश करीबी खेतों से बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार नौशहरा शर्की में 10 साल मोहम्मद असद के वर्सा से इजहार ताजियत के लिए पहुंचे और वर्सा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना फाजिलपुर की हदूद में 10 साल मोहम्मद असद को अगवा करके जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कातिल फरार। लाश फाजिलपुर के नवाही इलाका नौशहरा शहरी कपास के खेतों में फेंक दी गई। उड़ते कौओं की आवाजों पर लोग कपास की फसल में पहुंचे तो वहां मोहम्मद असद की लाश पड़ी थी। वर्षा और अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौका पर पहुंची और वर्षा ने मकतूल को अस्पताल पहुंचाया। फाजिलपुर अस्पताल वालों ने भी 2 घंटे तक डेड बॉडी को हाथ तक न लगाया, उल्टा लाहकीन से सामान बाहर से मंगवाते रहे। सफाक कातिलों ने मुहर्रम का एहतराम तक न किया। मेरा पुत्र सोते बतगी देनी, मेरे पुत्र को बारू छड़या गया और मासूम जान को मौत की गार्ड उतार दिया। बच्चे का तल्लक दिल फीलिंग से बताया गया है। वर्षा गम से निडाल है। पुलिस को मेडिकल का इंतजार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर फसले गुलजार मकतूल के वहकीन के पास नौशहरा शर्की पहुंचे, इजहार तजियत किया और वर्षा को यकीन दिलाया कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सफाक कातलों को जल्द अज जल्द ट्रेस करके कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। SDPO सदर सरकर राजनपुर का कहना था कि ये कत्ल रायगांव नहीं जाने देंगे, कातलों को ट्रेस करके ही रहेंगे। 10 साल मोहम्मद असद के वर्षा ने भी पुलिस पर इत्मीनान का इजहार किया। SHO फाजिलपुर ने टीम के हमरा मुतहद अफराद को आज हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।